इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने गायक उदित नारायण, जो बप्पीदा के अंतिम दर्शन करने के लिए शमशान गृह पहुंचे हुए हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह की यादें हैं, तमाम आपने गाने, हिट गाने गाए हैं बप्पीदा के संगीत में, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वक्त? देखिए, इस दुख की घड़ी में कुछ कहना तो अच्छा नहीं लगता है। दादा लाजवाब थे, एज ए ह्यूमन बींग भी बहुत अच्छे थे, और एज ए म्यूजिक डायरेक्टर तो उन्होंने हिस्ट्री लिख के गए। मतलब ऐसा काम उन्होंने किया है कि जब तक ये धरती और आकाश रहेगी तब तक उनका संगीत हम याद करेंगे। उनके साथ आपने भी कई गाने गाए, उनके लिए कई गाने गाए, उनके बारे में बताइए कैसा एसोसिएशन रहा? मुझे संघर्ष से लेके आज तक वही प्यार दिया उन्होंने। कभी ये नहीं सोचा कि ये लड़का के पास काम नहीं है, ये कौन है, कहाँ से आया, कभी पूछे नहीं। बोले, अरे उदित तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम बहुत अच्छा लड़का हो, और तुम कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना। मैं बोला, अरे इतनी बड़ी बात कह दी आपने। तो उन्होंने अव्वल नंबर, देव साहब की फिल्म अव्वल नंबर में गवाया। पहला नेहलानी साहब की एक फिल्म थी कि जिसमें प्रसन्नजीत जी हीरो थे, और मुमताज जी का कमबैक हुआ था, टाइटल में भूल गया हूँ, उस फिल्म में गवाया उन्होंने। उसके बाद दलाल फिल्म में, प्रकाश मेहरा जी की दलाल फिल्म में गवाया। मर गए हम, कोई तो हमको लियो बचाए। और उसके बाद फिल्म थी अफसाना प्यार का, जिसमें आशा जी के साथ टाइटल सॉन्ग गाया। अफसाना प्यार का ये गाना था। फिर वो एक फिल्म में उन्होंने जो गवाया, वो मेरे लिए हमेशा याद रहने वाली बात है, क्योंकि किशोर दा के साथ पहली बार मुझे गाने का मौका मिला उस फिल्म में, और वो श्रेय दादा को ही जाता है। चाहेंगे वो गाना आप अगर गुनगुनाएं? पिक्चर रिलीज बन के रिलीज नहीं हुई, ये अफसोस की बात है, लेकिन टाइटल सॉन्ग था। किशोर दा थे, सुरेश वाडकर जी थे, और मैं था। ओ बिंदिया तुम हमसे कह दो प्यार है, तुम हमसे कह दो प्यार है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बस ये आखिरी सवाल ये तो रहा कि आपने किशोर दा और सुरेश वाडकर के साथ बप्पी लहरी के लिए गाना गाया था, लेकिन आपका सबसे फेवरेट गाना बप्पी दा के संगीत में वो कौन सा गाना होगा अगर हम पूछें ऑल टाइम? चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अब अलविदा कह दिए दादा ने। यही गाना भी बज रहा था जब उनकी उनका अंतिम संस्कार के लिए उनका जब पार्थिव शरीर लाया जा रहा था, यहाँ यही गाना उनके ट्रक में भी बज रहा था। जी 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 जी, वाह वाह। फिर शराबी, नमक हलाल, क्या क्या फिल्म दिए उन्होंने, क्या क्या म्यूजिक दिया उन्होंने। चलिए, अभी अपनी से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जाने माने गायक उदित नारायण, जो बप्पी दा को याद कर रहे थे, बता रहे थे कि उनका दिया उम्दा संगीत जो है कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई।